Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is long wall, short wall and centerline method based numerical. In the previous session, we were discussed about these methods. In this session, we will discuss about how can we calculate quantities by these methods. So here is the question. It says figure represent plan and section of a trench which is 90 cm wide and 100 cm deep. Calculate the quantities of earthwork in excavation by using long wall, short wall method and center line method. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक यहाँ पे अर्थवर्क एक्सकेवेशन को एक हुआ है जिसकी हमको यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है 4.5 मीटर और 3.5 मीटर. इसका जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो हाइट है वो 1 मीटर दे रखी है. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का के लिए मुझे लॉन्ग वॉल यहाँ पे देखनी है. तो मैंने लॉन्ग वॉल बोल दी 4.5 है और जो शॉर्ट वॉल है वो मेरी 3.5 मैंने मान ली. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस लॉन्ग वॉल की ये क्या जो दे रखी है वो आउटर टू आउटर लेंथ दे रखी है, मुझे सेंटर टू सेंटर लेंथ पता करनी है. तो मैं क्या करूंगी, 0.9 को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी और उससे डिवाइड करके इंटू 2 कर दूंगी. तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेंटर टू सेंटर लाइन की लेंथ आ जाएगी. प्लस मैं क्या करूंगी, 0.9 मेरे पास विड्थ ऑफ आइटम, ये मेरा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फॉर एन आइटम निकालने का, कि सेंटर लाइन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम करूंगी. तो वो मैं यहाँ पे कर दूंगी. सेम मैं क्या करूंगी शॉर्ट वॉल के लिए भी यहाँ पे ऐसे ही कर दूंगी. अब मैं क्या करूंगी, मैं एक टेबल बनाऊंगी. ठीक है, ये हमारी बेसिक टेबल होती है. इसमें सबसे पहले आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और रिमार्क्स लिखते हैं. ठीक है, हमको क्या करना है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन निकालना है उसके लिए, लॉन्ग वॉल्स के लिए और शॉर्ट वॉल्स के लिए. तो हमारे पास कितनी है, दो दो, दोनों लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है. ठीक है, दो दो कैसे, एक तो ये लॉन्ग वॉल हो गई, एक दूसरी ये हो गई, एक ये शॉर्ट वॉल हो गई, दूसरी ये शॉर्ट वॉल हो गई. ठीक है, तो हमने दोनों के लिए दो दो नंबर लिख दिए. लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी 4.5 और 1.7, वो यहाँ पे लिख दी. ठीक है, उसके बाद विड्थ और हाइट हमको दे ही रखी है 0.9 और 1. तो मैंने इन चारों क्वांटिटीज को, ये जो नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट है, इन चारों वैल्यू का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई. ठीक है, इसी तरह मैंने शॉर्ट वॉल के भी चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी टोटल क्वांटिटी आ गई. दोनों को ऐड कर दिया तो मेरी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी. ठीक है, अब इसी तरह मेरे को इसी क्वेश्चन को सेंटर लाइन मेथड से करना है. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सेंटर लाइन में हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फ्रॉम फ्रॉम द प्लान. ठीक है, प्लान के जो है टोटल सेंटर लाइन हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, टोटल सेंटर लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट वॉल थी सेंटर टू सेंटर लाइन, तो उसकी और जो सॉरी शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर लाइन थी और जो लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लाइन थी, उसको उनकी क्वांटिटीज के साथ यहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं क्या करती हूँ, टोटल लाइन फाइंड आउट कर लेती हूँ. अब मुझे क्या है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं दे रखा, कोई डिडक्शन नहीं दे रखा, तो वो मेरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. अब मुझे क्या करना है, वही टेबल है मेरी. ठीक है, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट है अर्थवर्क एक्सकेवेशन, कोई लॉन्ग वॉल नहीं है, कोई शॉर्ट वॉल नहीं है, सिर्फ एक क्वांटिटी है. टोटल लेंथ मेरे पास है, हाइट और विड्थ से उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी और वही मेरी टोटल क्वांटिटी. दोनों के वैल्यूज जो आएंगी वो दोनों सेम आएंगी. ठीक है, एक तरह से हम इसको एज अ चेक भी यूज कर सकते हैं. अगर कभी हमको कोई एक मेथड से पूछा गया है, हम चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो हम दूसरे मेथड से उसको फाइंड आउट करके हम लोग उसकी वैल्यूज बता सकते हैं. ठीक है, और जो भी मेथड हमसे पूछा गया है वो हम उस टाइम पे तो वही करेंगे. अगर हमसे कोई मेथड नहीं बोला गया, हमको डायरेक्ट बोला गया कि आप इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करिए, तो आप कोई भी मेथड है जो आपको सुटेबल लगता है वो हम उसको अप्लाई करके क्वांटिटीज निकाल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फिगर शोज अ प्लान सिंगल रूम बिल्डिंग विद अ सेक्शन ऑफ अ फाउंडेशन वॉल, एस्टिमेट दीज क्वांटिटीज. क्या क्या निकालना है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकालना है, इन फाउंडेशन लाइन कॉन्क्रीट बेड इन फाउंडेशन निकालना है, यूसीआर मेसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एरिया निकालना है. ठीक है, किसकी मदद से निकालना है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन दोनों की मदद से निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है. ठीक है, वो रूम है, ये एक रूम है जिसका इंटरनल
डायमीटर दे रखा है 5 बाय 4, ठीक है। मेरे को एक सेक्शन मैंने ए कट करके देखा तो मेरे को दिखा कि एक ये यहाँ पे कुछ वर्क हो रखा है, सबसे पहले एक्सकेवेशन हो रखा है, फिर लाइम कंक्रीट बेड एंड फाउंडेशन हो रखा है, और उसके बाद ये सारी यूसीआर मशीनरी हो रखी है, और एक ये प्लिंथ मुझे मिल रहा है, और सुपर स्ट्रक्चर की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर की है। सारी थिकनेस हाइट इन सबकी दे रखी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करूंगी। मान लेते हैं मेरी यहाँ पे लॉन्ग वॉल 5 है और शॉर्ट वॉल 4 है, ठीक है। तो ये मेरी क्या इंटरनल डायमीटर है, मुझे कहाँ से निकालनी है, इस सेंटर से लेके इधर के सेंटर तक, ठीक है, ये पूरी सेंटर टू सेंटर निकालनी है। तो मेरे पास ये जो विड्थ है ये कितनी दे रखी है, मुझे यहाँ पे 0.3 दे रखी है, ठीक है। जब 0.3 दे रखी है तो मैं क्या करूंगी, उसका हाफ कर दूंगी, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगी, और इधर से भी 0.3 का हाफ कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आएगी। और सेम मैं क्या करूंगी, शॉर्ट लॉन्ग वॉल के लिए करूंगी, ये मैंने शॉर्ट वॉल के लिए कर दिया, अब मैंने लॉन्ग वॉल के लिए भी यही 0.3 का हाफ और 0.3 का हाफ मैं दोनों में को ऐड कर दूंगी उसकी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल से, यानी 5 + 0.3/2, 5 + 0.3/2 + 0.3/2 करूंगी तो 5.3 आ जाएगा, और सेम मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो 4.3 आ जाएगा। ये क्या है, मेरी लेंथ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन निकालते हैं, तो उसमें लॉन्ग वॉल की बात करते हैं। लॉन्ग वॉल में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ आइटम, ये करते हैं। और शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस माइनस विड्थ ऑफ आइटम। तो हमारे पास विड्थ ऑफ आइटम कितनी है, 0.9 है, क्वांटिटीज दो दो है, ठीक है। मैंने क्या किया इन चार, और हाइट मुझे 1.3 दे रखी है, ठीक है। 1.3 कैसे हो गई, फ्रॉम हम एक्सकेवेशन की बात करें तो ग्राउंड लेवल से लेके नीचे तक की जो हाइट होगी वो सारी ऐड कर दूंगी, तो वो मेरी 1.3 आ गई है मेरे पास, ठीक है। मैंने इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की दोनों को ऐड कर दी तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। लाइम कॉन्क्रीट फाउंडेशन के लिए भी मैं सेम करूंगी, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मुले में वैल्यूज वही है, विड्थ मेरे पास 0.9 ही है लाइम कॉन्क्रीट फाउंडेशन की, तो मैं 0.9 ही रखूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, हाइट मेरे को यहाँ पे 0.2 दे रखी है, ठीक है, ये 0.2 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 0.2 की बेसिस पे मल्टीप्लाई करूंगी इन चारों वैल्यू का, ठीक है, दोनों की क्वांटिटीज आएंगी, दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। फिर मैं क्या करना है, मुझे यूसीआर एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ निकालना है। तो स्टेप वन में मैं ये तीन स्टेप क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे तीन स्टेप में यहाँ पे दे रखा है, एक 60 सेंटीमीटर वाइड है, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 50 सेंटीमीटर वाइड है, और 80 सेंटीमीटर हाइट है, और 40 सेंटीमीटर वाइड है जिसकी 60 सेंटीमीटर हाइट है। तो उसी के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तीन स्टेप में ये काम करूंगी, तीनों स्टेप में उनकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की, सबसे पहले स्टेप वन में मैं क्या करूंगी, विड्थ रखूंगी, हाइट चेंज करूंगी, जो हाइट दे रखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वो रखूंगी, चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी, टोटल क्वांटिटी लगाऊंगी। ऐसे स्टेप टू के लिए भी मैं विड्थ चेंज करूंगी, हाइट चेंज करूंगी, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे स्टेप थ्री के लिए भी विड्थ चेंज करूंगी, हाइट जो यहाँ पे दे रखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वो रखूंगी और चारों को मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू आ जाएगी। अब इन चारों वैल्यूज को जो क्वांटिटीज में आई हैं उनको क्या करूंगी, प्लस करूंगी तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो लॉन्ग वॉल की शॉर्ट सेंटर टू सेंटर लेंथ है और शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है, हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, कोई जंक्शन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, तो हमारे पास लेंथ आ गई है। लेंथ हमने यहाँ पे अर्थवर्क और लाइम और यूसीआर के लिए हमने सबके लिए रख दी है, ठीक है। विड्थ यहाँ पे सबकी अलग अलग होगी, यही तीन चीजें फाइंड आउट करने को बोली थी, विड्थ यहाँ पे सबके लिए अलग अलग होगी। यूसीआर फाउंडेशन एंड प्रिंट में क्या होगा, एज यूजुअल जैसे मैंने ऊपर बताया कि तीन स्टेप्स हैं, तो तीनों स्टेप की अलग अलग विड्थ, तीनों स्टेप की अलग अलग हाइट होगी, इसकी भी हाइट होगी, इसकी भी हाइट होगी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल क्वांटिटीज आ जाएगी। जो भी टोटल क्वांटिटीज होगी वही मेरी यहाँ तक तो टोटल क्वांटिटी आ गई। जो ये थर्ड है जिसमें यूसीआर इन फाउंडेशन एंड प्लेन पता करना है, उसमें इन तीनों क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी भी, टोटल क्वांटिटी भी आ जाएगी, ठीक है। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट और क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।